करें। और मैं अब अपने प्रयागराज मंडल के मंडल अध्यक्ष मान सिंह जी को जो है बुलाने का काम कर, मंडल अध्यक्ष मान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंडल का नेता कैसा हो? श्रीमान सिंह जैसा हो। मंडल अध्यक्ष आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मंडल अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों सामने आ जाइए आप लोग। साथियों काहे बन रहे हैं? ठीक है धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस प्रसन्नता रूपी आम सभा में उपस्थित NCERS के RSO शाखा के इस कार्यक्रम के संचालक, इस कार्यक्रम के संयोजक शाखा मंत्री भाई RNP सिंह की पूरी टीम, सम्मानित पदाधिकारीगण, बैरेज वैगन शाखा के नए शाखा मंत्री के रूप में उपस्थित, मैं तो इसे बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। कल बैरेज वैगन शाखा की नई शाखा का गठन हुआ, महामंत्री जी ने पत्र बनाया और रात में इस तरह की कामयाबी का भी लोगों को एक संदेश मिला है। तो नई शाखा बनी है, नई शाखा के शाखा अध्यक्ष भाई आशुतोष सिंगरन जी, शाखा मंत्री भाई रामकरण मीना जी, कार्यकारी अध्यक्ष अरुण कुमार जी, संगठन सचिव कहाँ गए उचित जी शर्मा जी, खाली पीली नहीं चले और नए पदाधिकारी कोषाध्यक्ष गाजी जी और अन्य भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी सौभाग्यशाली इसलिए मानूंगा कि कहा जाता है कि कोई नए काम का शुभारंभ हो और कोई नई कामयाबी उससे पहले संगठन के दामन में आ जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। एक तरीके से बड़ा शुभ संदेश है। मान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंडल कैसा हो? मान सिंह जैसा हो। मंडल अध्यक्ष कैसा हो? मान सिंह जैसा हो। CNW शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CNW शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों इसी के साथ SNT शाखा के शाखा मंत्री भाई राजेंद्र कुमार जी, शाखा अध्यक्ष भाई अजय प्रताप जी, इंजीनियरिंग शाखा के शाखा अध्यक्ष प्रभात कुमार जी, शाखा मंत्री भारत भूषण जी, इलेक्ट्रिक लोको सेट शाखा के शाखा अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी, पीछे मत रहा करें आगे आया करें भाई, कार्यकारी अध्यक्ष दीपक तिवारी जी, शाखा मंत्री भाई अजीत जी, सभी शाखाओं के सम्मानित अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित साथियों, एक कहावत है अक्सर लोग कहा करते हैं क्रांतिकारी साथी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपके सामने 2004 में ये क्या था, नई पेंशन स्कीम का आगाज हुआ। नई पेंशन स्कीम का आगाज किन परिस्थितियों में हुआ उस कैडर के भी कुछ साथी आज तिरंगे कैडर के साथ हैं वो जानते होंगे और सारे समस्त साथी जानते होंगे कि जिनके कंधों पे उस समय भी दारो मदार दिया गया था संयुक्त मोर्चे के रूप में नेता बनाकर, कहीं न कहीं उसमें गड़बड़ हुआ था। NFIR उसी समय से विरोध कर रहा था मित्रों, NCERS का विरोध निरंतर चल रहा था कि नहीं NPS हमें मंजूर नहीं है।
हमें ओपीएस चाहिए होगा, ओपीएस से नीचे हमें कोई समझौता नहीं करना है। मित्रों ऐसा माना जाता है, अभी आशुतोष इंद्रेन्द्र शाखा अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि प्रशासन के सामने अगर 10 मांगे रखती है यूनियन तो 5 हमें स्पष्ट रूप से निर्णय करके प्राप्त होता है। 5 मांगों पे कुछ उथल पुथल होती है, कुछ पेंडिंग रह जाती है, लेकिन एनपीएस एक हमारा गंभीर मामला था। लेकिन कानपुर परिक्षेत्र या प्रयागराज डिवीजन में आप लोग भी इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, कानपुर सेंट्रल स्टेशन, कोई भी अगर एनएफआईआर का वहां से निर्देश मिला, कोई एनसीआरएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब का निर्देश मिला मित्रों, तो एनसीआरएस की सभी शाखाएं कानपुर सेंट्रल पे उपस्थित होकर के पुरानी पेंशन स्कीम बहाली के आंदोलन को सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ाते ऊपर हम लोग चले गए। आप सारे लोगों को याद होगा कि वर्ष 2016-11 जुलाई याद होगा सबको, रेल का चक्का जाम करने का आह्वान हुआ था संयुक्त मोर्चे के रूप में, लेकिन उस समय कहां गड़बड़ हुआ था आप लोगों को पता नहीं, सबको जानकारी हो नहीं हो, इसी आईआरएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं आदरणीय कन्हैया कुमार का स्टेटमेंट आया था, चाहे कोई हड़ताल करे जिस तरह से करे लेकिन मैं इस हड़ताल में शामिल नहीं। वहीं से सरकार का मनोबल बढ़ने लगा था और आंदोलन बिखर गया था। NFIR के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विमान सिंह साहब, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अमरा घोइया जी उस समय भी अपने कैडर को संजोए और संभाले हुए थे कि नहीं अन्य फेडरेशन का हम कोई भी बात नहीं मानेंगे, इसका विरोध होगा, भले आंदोलन टल जाएगा, हड़ताल टल गई, लेकिन NFIR ने कभी पीछे कदम हटाने का काम नहीं किया मित्रों, अनवरत रूप से इसका विरोध। एक दौर वो भी आया था, वर्किंग कमेटी दिल्ली में हो रही थी, आज भी हमें याद है कि कुछ वक्ताओं ने ये चिंता व्यक्त की थी कि किस तरीके से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली होगी। हमारे महामंत्री जी ने चिंता इस पे बात की थी, इस पे कुछ हमें निर्णय लेना चाहिए, आदरणीय आरपी सिंह साहब ने अपने उद्बोधन में कहा था। NFIR के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का यही आश्वासन था कि स्पष्ट रूप से आप लोग अपने अपने जोनल क्षेत्र में जाइए, कर्मचारियों को ये संदेश दीजिए, अगर कोई इसमें आगे नहीं आएगा, कोई अगर साथ नहीं देगा एनपीएस ओपीएस की लड़ाई में, तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे हिंदुस्तान में NFIR का महामंत्री होने के नाते इस आंदोलन का नेतृत्व NFIR करेगी, आदरणीय विमान सिंह साहब करेंगे, आदरणीय राघवैया साहब करेंगे, एनसीआरएस के महामंत्री आदरणीय साहब करेंगे। एक जज्बा आंदोलन को चलाने का, श्रमिक समस्याओं के निस्तारण का एक जज्बा होना चाहिए साथियों, उस जज्बे की अगर कमी श्रमिक नेताओं में होगी तो श्रमिक आंदोलन बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, हम कर्मचारियों को कुछ दिला पाने में सक्षम नहीं होंगे, सफल। कानपुर के परिक्षेत्र की बात बताऊं, NFIR का निर्देश था वर्ष 2016 में शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ से जब चलती थी तो यहाँ ताना बाना इसी स्थान पे बुना जाता था कि गाड़ी कहाँ पहुंची, मीटिंग होती रहती थी 15-15 दिन कानपुर सेंट्रल की ये लॉबी पे एनसीआरएस की सारी शाखाएं एकत्रित होकर के और शताब्दी एक्सप्रेस पे हम लोगों ने अनवरत प्रदर्शन किया है, गाड़ी के आगे खड़ा होकर गाड़ी डिटेन करने का काम किया है, जिसकी खबर रेलवे बोर्ड तक भी गई है मित्रों। इस तरह का आंदोलन, इस तरह का ऐतिहासिक कदम, इस तरह का कठोर कदम एनसीआरएस NFIR कैडर ने किया है।
जब समय आया था अन्य कोई इसका श्रेय नहीं ले सकता। होता क्या था उस समय, एक नंबर प्लेटफार्म पे कोई नेता लोग आते थे कहीं न कहीं मन में भय हुआ करती थी कि अगर शताब्दी का डिटेन हो गया तो एक्शन प्रशासन ले लेगा। हमारे बहुत साथी गवाह है, इसी आंदोलन के दौरान एक दो दिन धक्का मुक्की भी हुई थी। डिप्टी सीटीएम हिमांशु शेखर उपाध्याय जी हुआ करते थे, वैंग वहां मौजूद थे, जीआरपी के लोग थे, आरपीएफ के लोग थे, सारे लोग वहां पे मौजूद थे। हमारे क्रांतिकारी साथी गाड़ी के आगे खड़े हो गए थे, गाड़ी डिटेन होने लगी तो सबकी चिंताएं बढ़ने लगी। मित्रों बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहा सुनी हुई, बहुत सारे तनाव के चैप्टर आए बाकी, लेकिन कुल मिला जुला के हमारा ये मानना है कि हम कर्मचारियों के, श्रमिकों के हित के लिए, उनके संरक्षा सुरक्षा के लिए, उनके अधिकार और सम्मान के लिए ट्रेड यूनियन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन करने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, एनसीआरईएस की जिम्मेदारी भी है, एनएफआईआर की जिम्मेदारी भी है, हमारी जवाबदेही भी है कि अगर श्रमिक का कहीं नुकसान होगा तो हम कहीं ना कहीं मुंह छिपाने का काम करेंगे, उसको जवाब देने में असहज होंगे। मित्रों इस चीज को हमारा कैडर मानता, हम सारे लोग मानते हैं। आज परिणाम आपके सामने है, ज्यादा नहीं 2024 की ये घटना है, मुझे याद है एनएफआईआर का आह्वान हुआ, एनसीआरईएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब का निर्देश मिला कि 8 जनवरी 2024 समय 10 बजे से और 11 जनवरी 2024 10-11 बजे दोपहर तक 72 घंटे का अनवरत भूख हड़ताल चलाने का आदेश मिला है। क्या इसको किस तरह से करोगे, करना है मजबूती के साथ। सारी शाखाओं को प्रयागराज डिवीजन के बुला के हम लोगों ने कन्वेंस किया, रणनीति बनाई गई। मित्रों इसी वृक्ष के नीचे हम लोगों का यहाँ पे टेंट लगा हुआ था, अनवरत 4 दिन चलता रहा। एक दूसरा भी श्रम संगठन है यहाँ, हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, लेकिन चर्चा वो लोग करते हैं तो जवाब देने का भी धर्म बनता है। अगर जवाब हम नहीं देंगे तो उनको लगेगा कि ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आंदोलन के दिन तक ये रणनीति थी कि अपने अपने यूनियन के कार्यालयों में हम लोग जो है अपना कार्यक्रम आंदोलन का करेंगे। मित्रों जरा विचार करिए, यूनियन का आंदोलन, यूनियन की मीटिंग और यूनियन के दफ्तर में बंद कमरे में कौन सी मीटिंग होगी, हम भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम रेल प्रशासन के अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम रेलवे इंटेलिजेंस को क्या संदेश देना चाहेंगे, हम सिविल एलाइयों के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम कमरे के अंदर बैठ के आंदोलन करते हैं। सोचने की बात है, कहीं कहीं मन में आया कि एनसीआरईएस अगर मैदान में उतरी है तो हमारा जवाब देना कर्मचारी के बीच में मुश्किल होगा। मैं 10 बजे के करीब यहीं आया था तो कंसर्निंग शाखा यहीं जमीन पे गद्दा बिछा के बैठ रही थी। भाई आरआर तिवारी जी, आरएनपी सिंह जी से पहले बात भी उन लोगों की हुई थी कि नहीं भैया आप लोग यहाँ करो, हम लोग अपने कार्यालयों पे करेंगे, लेकिन नहीं पचा पाए, जमीन पे बैठ के शुरू कर दिए पहले कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। जबकि एनसीआरईएस ने डिप्टी सीटीएम महोदय को भी लिख के दे दिया था कि हमारा ये कार्यक्रम है, आरपीएफ जीआरपी के इंस्पेक्टर महोदय को लिख के दे दिया था कि ये कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से हमारा यहाँ होता है। तो ये स्थितियां है मित्रों, माइक का मुंह इधर लगा, उन्होंने अपने माइक का मुंह इधर कर दिया, 2 साउंड इधर से लगे, 4 साउंड वो लगा दिए। हमारे वक्ता साथी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। यही नहीं, सिविल एलाइयों के एसपी वगैरह भी आए थे यहाँ, रेलवे के इंटेलिजेंस विभाग के हेडक्वार्टर और डिवीजन के भी लोग आए थे देखने। उन लोगों ने भी एक कमेंट हमसे किया कि क्या ये आपके दूसरे साथी आप लोगों के समानांतर मीटिंग कर रहे हैं। हमने कहा यह उनकी सोच है, हम तो एनपीएस और ओपीएस के आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं।
दूसरा इशू क्या मित्रों, कि कोई अगर ऊपर से निर्देश होता है तो NFIR NCRES कैडर के सिपाही अक्षर से उसका अनुसरण और पालन करते हैं। हम कोटा पूरा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित नहीं होते हैं, खाना पूर्ति के लिए हम एकत्रित नहीं होते हैं, दिखावा के लिए हम यहाँ पे एकत्रित नहीं होते हैं। दो टीम बनी थी, 12-12 घंटे हमारे सारे साथी सारी शाखाओं से नियमित रूप से 60-70 की तादाद में भूख हड़ताल पे 4 दिन बैठने का काम किया। लेकिन वहीं दूसरे साथी 9-10 बजे आते थे, 5 बजे यहाँ से समेट आते थे। यहाँ का कर्मचारी इस चीज का प्रत्यक्ष गवाह है कि आंदोलन की रूपरेखा उनकी क्या थी और तिरंगे झंडे के लोगों की क्या थी, इसमें हमें बताने की जरूरत है, निर्णय आपको करना है। अभी एक हाल की घटना और बता दूं, अभी इसी महीने के शुरुआती दौर में नए महाप्रबंधक महोदय आए थे। CTM महोदय से हमने भी टाइम लिया था कि मिलेंगे, एजेंडा देंगे, GM महोदय को टाइम मिला था, खड़े थे। हमारे अन्य साथी भी आए, उनकी भी बात हुई रही होगी। अंदर से खबर आ रही है DRM महोदय बुलवा रहे हैं कि NCRES के लोगों को बुलाया जाए, लेकिन क्या मैच्योर लीडरशिप है। जैसे बच्चों का खेल होता है, आज की ट्रेड यूनियन मेरे साथियों की इस तरह से हो गई है कि आगे आओ आगे पाओ वाली हाल है, लपकते हुए दौड़ते हुए चले गए, जैसे कि अगर नहीं जाएंगे तो GM बात नहीं करेंगे। वार्ता हुई उनकी जो भी रही हो, हमारे भी लोग थे, मैंने कहा आप लोग शांति से खड़े रहिए, हम ट्रेड यूनियन करते हैं, मान्यता प्राप्त श्रम संगठन है, बिना आपसे बात किए कोई अधिकारी यहाँ से जाएगा नहीं, आप लोग भरोसा रखें। 12-14 मिनट जब इनकी बात हो गई मित्रों, DRM महोदय ने SS को भेजा कि बुला लो, मानसिंह खड़े हैं, उनकी टीम खड़ी है। मित्रों मैं अंदर जैसे गया, हमारे साथ ही खड़े थे एक लाइन से सारे लोग, हमारे साथ जो लोग गए होंगे देखे होंगे, अधिकारी वर्ग पूरा बैठा हुआ था सोफे से लेकर कुर्सियों तक। किसी VIP लाइन की बात कर रहा हूँ, VIP रूम है, GM महोदय बैठे थे, DRM महोदय बैठे थे, अन्य ऑफिसर्स बैठे थे, ये लोग खड़े होके याचक के रूप में बात कर रहे थे। मित्रों मैं इस बात को आपके बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि मान्यता प्राप्त श्रम संगठन का अधिकार और सम्मान किस तरह होना चाहिए, शायद हमारे दूसरे साथी उसको प्रशासन के पास गिरवी रखें। एक कर्मचारी भी आज के तिथि में अगर जाता है तो अधिकारी का एक कर्तव्य बनता है कि हर कर्मचारी शिक्षित है, उसका एक सम्मान है, अपने सामने की कुर्सी पे बैठने का आह्वान करता है। हर नागरिक अपने अधिकार और सम्मान को पहचानता है। हम जैसे अंदर गए, इन लोगों ने देखा तो शर्मिंदगी महसूस होने लगी, लेकिन मुझे खराब लगा साथियों, एक ट्रेड यूनियन करने के नाते मुझे एक खराब लगा, मैंने कहा एक गलत परंपरा इन लोगों ने डाल दिया और लग रहा है आज ही उलझन भी हो। कारण उसका कि डिवीजन और हेडक्वार्टर के सारे अधिकारी बैठे हों, हम मान्यता प्राप्त श्रम संगठन के पदाधिकारी शाखा से लेकर डिवीजन तक और केंद्र तक हैं, हम याचक के रूप में खड़ा होकर उनसे बात करें, वो बैठे रहे, शायद एक ट्रेड यूनियन करने के नाते ये हमें गवारा नहीं होता। मित्रों ट्रेड यूनियन में हम लोगों को जो सिखाया गया है कि किसी अधिकारी के पास अगर निगोशिएशन करने जाओ तो पहला काम होना चाहिए कुर्सी पीछे के बैठना, उसके बाद सारे बात। चले आने के बाद मैंने अपना परिचय दिया, GM महोदय खड़े हुए और एक दो नहीं, मैं समझता हूँ 50 के तादाद में हमारे साथ यूनियन के लोग थे सभी शाखाओं। मुद्दों पे वार्ता भी शुरू हुई, लगभग 18-20 मिनट वार्ता भी हुई, लेकिन न तो GM महोदय बैठे न DRM महोदय बैठे। और जब और अधिकारियों ने देखा कि महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक महोदय खड़े हो, सारे ऑफिसर वहां पे 18-20 मिनट खड़े रहे। मित्रों ये अपने ताकत को पहचानने की जरूरत है। आप लोग श्रमिक आंदोलन को कहां लेके जा रहे हो,
अपने श्रम संगठन को कहां ले जाके गिराओगे? हम इस बात की गारंटी तो नहीं लेते, इस बात की गारंटी हमारे दूसरे साथियों को लेना चाहिए। लेकिन हाँ, एक कष्ट आप जरूर पैदा कर रहे हो कि एनसीआरईएस एनएफआईआर कैडर के लिए तुम संघर्ष का रास्ता थोड़ा और बढ़ाते जा रहे हो, इसलिए कि जहाँ तुम खड़े होकर बात करना मुनासिब समझते हो उस तरह से हम तो न खड़े होकर बात करेंगे, न उस बेइज्जती के साथ उनके सामने खड़े होने का भी काम करेंगे। मित्रों, अब आई एनपीएस के आंदोलन के पश्चात आपको क्या मिला है यूपीएस में? अभी हमारे पत्रकार महोदय भी आए थे, वार्ता हुई, उनसे भी बता दिया गया। एनएफआईआर का जो निर्देश मिला, एनसीआरईएस के महामंत्री आदरणीय आरपी सिंह साहब का जो निर्देश मिला, एनएफआईआर एनसीआरईएस पूर्ण रूप से इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है। आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सुना भी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज एनसीआरईएस का एफिलेशन एनएफआईआर से, एनएफआईआर का एफिलेशन इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ है, इंटक का एफिलेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है। मित्रों, जिसके मौजूदा युवा नेता राहुल गांधी जी हैं, आज राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति भारतवर्ष में मजबूत है। विपक्ष का दबाव सत्ता दल पे भारी पड़ रहा है। मित्रों, एनपीएस और ओपीएस की आवाज कांग्रेस के द्वारा भी समय समय पे पत्राचार के माध्यम से सदन में उठाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है, जिसका परिणाम आपके सामने आया है। सरकार कहीं न कहीं दबाव में है आपकी बातों को सुनने के लिए। जितना हमने गैर किया है एनसीआरईएस के साथ, जो कर्मचारियों की एक तादाद है, जो हुजूम है, हमें निश्चित रूप से इसकी खुशी है। मित्रों, हमें खुशी शेयर भी करना चाहिए, कर्मचारी साथियों को बधाई भी देना चाहिए कि जहां कुछ नहीं था वहां कम से कम 50% आप लोगों को कामयाबी मिली है। रह गई जो हमारे मुद्दे अभी हमें डिस्कस करने, हमारे सीनियर नेतागण उस पर विचार कर रहे हैं। एनपीएस और ओपीएस और यूपीएस का आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है। मित्रों, ये बीमारी अभी चलेगी, ये आंदोलन अभी चलेंगे, आंदोलन अभी खींचेंगे, ये विराम लगने वाला नहीं है। लेकिन जो उपलब्धि एनएफआईआर एनसीआरईएस लेके आपके बीच में आया है, उन उपलब्धियों का आपके बीच में शेयर करना, आपसे साझा करना भी एनसीआरईएस एनएफआईआर कैडर का नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य बनता है। इस उपलक्ष्य में हमारे साथीगण, आज संडे का रेस्ट होता है मित्रों, हम भी चाहते तो सोचते एक दो दिन की बात करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि अगर बीज कहीं बोया गया है, कोई आंदोलन अगर एक दशक के ऊपर से हम लोग चला रहे हैं, लगभग दो दशक होने जा रहा है, अगर हम लोग चला रहे हैं, कुछ मिला है अपने कर्मचारी साथियों के लिए, कहीं हम सफल किए हैं, तो सफलता का श्रेय हमें अपने कर्मचारी भाइयों को देना चाहिए, इसलिए कि यूनियन अपने बैंक में न हम कुछ है, न हमारे पदाधिकारी कुछ है, हमारे पीछे जब तक कर्मचारियों का हुजूम नहीं होगा मित्रों, हम कामयाब। यूपीएस मिलने के लिए आप सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में मीटिंग के माध्यम से, अन्य जुलूस के माध्यम से एक एक कर्मचारी को बधाई देना चाहिए, और ये भी बताने की जरूरत है सारे लोगों को कि भैया अभी 50% हमें कामयाबी मिली है, अभी एनएफआईआर इस पे संघर्षरत है, और जिस तरह से हमारा अभियान चल रहा था उसी तरीके से अभियान अभी बंद नहीं होगा। जो चीजें शेष रह गई है उसके लिए भी समय समय पे आंदोलन की रूपरेखा बना के सरकार पे दबाव बनाने का काम एनएफआईआर ने किया है। साथियों, आप लोग इस मीटिंग में आए अपने अपने, आज मेरा मानना है कि संडे का दिन है, सबका रेस्ट होता है, और सारे लोगों ने आज यहाँ पे जो समय दिया उसके लिए प्रयागराज मंडल के तरफ से आप सभी शाखाओं के सभी पदाधिकारीगण को, अपने सारे प्रतिनिधिगण को हृदय से बधाई देता हूँ। मित्रों, और ऐसा होना चाहिए कि
खुशी को हम कम से कम कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोगों ने मेहनत किया है, कर्मचारियों ने सहयोग किया है, नहीं ज्यादा तो कम से कम एक नंबर प्लेटफार्म पे एक सुनियोजित तरीके से, संगठित तरीके से, अनुशासन के ढंग से हम एक जुलूस निकालेंगे और कम से कम कर्मचारी साथियों को इस उपलब्धि की बधाई भी देने का कर्तव्य हम लोगों का बनता है, तो बधाई देने का काम करेंगे। उसके बाद मीटिंग समापन की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ अपने वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी का आह्वान करूंगा कि हमारे 100% साथी अनुशासित तरीके से लाइन में लग के एक प्रदर्शन करने का काम करेंगे और प्रदर्शन में अपने सहकर्मी साथियों को यूपीएस मिलने की बधाई देंगे, एनएफआईआर एनसीआरएस की जिंदाबाद करेंगे। इन सब बातों के साथ अपनी पार्टी को आराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवान।